भरपूर रखेंगे बहुत लोग आपके लिए डालेंगे वोट रहूंगा आज जो हमारा हक बनता वोट डालने का आज तक तो नहीं हुआ इसकी वजह से हम आधार कार्ड से वन डबल जीरो वाइस आपका नाम राकेश कुमार सब देखिए अभी तो है इस वक्त कश्मीरी पंडित जब वोट डालने के लिए निकलता है उस वक्त उसको दिमाग में 90 है उसको दिमाग में उन्हीं लोगों का चेहरा सामने होता है जिन्होंने अहम रोल हमारे पलायन का किया है। वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है क्योंकि वोट डालने की जो प्रक्रिया हमारे पास थी वो बड़ी खतरनाक थी, मगर अब हम बड़ा धन्यवाद करते हैं रिलीफ कमिश्नर साहब का और धन्यवाद करते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर का कि जिन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया था। अगर आप देखेंगे पहले 3%, 4%, 5% है, मगर इस बार मैं आपको ये गारंटी दे दूँगा कि हम निकले हैं, हम वॉलंटियरली निकले वोट कास्ट करने के लिए। हर किसी को अपनी मर्जी है जिसको डाले उस पर कोई वो नहीं है, मगर वोट डालना जो प्रक्रिया हमारी रखी थी वो सख्त थी। आज ठीक है, आज आप देखिए हमारी पर्सन कहाँ से कहाँ बनेगी और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी घर वापसी है जो हमारी रिहेबिलिटेशन है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान देगा क्योंकि हमारी सबकी नज़रें हैं इस वक्त सेंटर पर, क्योंकि यहाँ का जो भी जम्मू कश्मीर यूटी है उसका सब कुछ जम्मू वहाँ दिल्ली से चल रहा है और हमें भी पूरी उम्मीद है जिस तरह बाकी कम्युनिटी के लिए बाकी हिंदुस्तान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि 34 साल के बाद शायद ये जो कमियां हमारी कम्युनिटी में आज तक पाई गई है इन 34 सालों में जो हमने फील किया कि ये सुविधा होनी चाहिए उससे हम शायद हम वो दूरी हमें दूर हो जाएगी और हमारी घर वापसी आराम से हो जाएगी।